हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने हेरिडिटी और इवोल्यूशन शुरू किया। स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस देखे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। उसके बाद हम लोगों ने आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और म्यूटेशन, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था इवोल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। क्या देखने वाले हैं? इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। So, कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। जो मैंने बोला था कि एक सिंपल सेल था, फिर प्री सेल था, फिर उससे सेल बन गई, फिर सेल से ऑटोट्रॉप बन गए, हेटरोट्रॉप बन गए, हेटरोट्रॉप से एनिमल बन गए, ऑटोट्रॉप से प्लांट बन गए, ये सारी जो चीजें हैं, इसके कुछ तो इविडेंसेस होंगे ना, है ना। तो वो इविडेंसेस हम लोगों को इस लेक्चर में देखने हैं। सबसे पहला इविडेंस हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल इविडेंस। सबसे पहला कौन सा देखेंगे? मॉर्फोलॉजिकल इविडेंस। अगर आप लोग अच्छे से देखते हो, है ना, एक कुत्ता इमेजिन करो, एक बिल्ली, गाय, बैल, टाइगर, सब अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं आज की डेट में हम लोगों को दिखने वाले। लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा तो उनके कान, उनकी आंखें, उनके नॉस्ट्रिल्स, माउथ, ये सारी चीजें और हेयरी बॉडी, ये सारी चीजें क्या बताती है कि उनके पास सिमिलरिटीज हैं। सबके आंखें ऐसी ही है, सबके कान इधर ही है, सबकी बॉडी हेयरी है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है? यस, देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज एनिमल्स। यानी हम में और हमारे आजू बाजू में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स में क्या है? सिमिलरिटीज है। एंड दिस सिमिलरिटी सजेस्ट दैट वी वेयर कनेक्टेड। हम लोग कनेक्टेड हैं, हम लोग कनेक्टेड थे, और कभी ना कभी हम लोग किसी एक ही एंसेस्टर से निकले हैं। तो ये सबसे पहला था मॉर्फोलॉजिकल इविडेंस। दूसरा एविडेंस है दोस्तों एनाटॉमिकल एविडेंस। दूसरा क्या है? एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिख जाए, एनाटॉमी जो अंदर है, अंदर मेरे बॉडी के अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। अब आपकी बुक में आपको एक एग्जाम्पल देके रखा है ना, ह्यूमन हैंड। ये मेरा हाथ, अगर अंदर से आप अगर मेरे बोन्स देखोगे तो वो ह्यूमन हैंड। बैट जो है, बैट का पटाजियम जिससे वो फ्लाई करने वाला है, मेरी हाथ से मैं काम करने वाला हूं, बैट उसकी पटाजियम की मदद से उड़ने वाला है। फ्लिपर ऑफ व्हेल, यानी व्हेल के जो फ्लिप्स है जिसकी मदद से वो स्विमिंग करने वाला है। एंड ऑक्स का जो लेग है, उसका बोन। अब वो क्या करेगा? ऑक्स क्या करेगा? चलने वाला है, मैं काम करने वाला हूँ, बैट उड़ने वाला है, और फ्लिपर ऑफ व्हेल से वो स्विमिंग करने वाला है। अगर हम लोग बाहर से ये ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करेंगे, एक तरफ बैल है, ह्यूमन है, बैट है, व्हेल है, तो आपको लगेगा ये सारे के सारे अलग अलग है। आपको क्या लगेगा? ये सारे के सारे अलग है। लेकिन अगर हमारी बोन्स की अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे बच्चों, तो वो अंदर से सेम है। इसका मतलब कभी ना कभी हम लोग किसी एक ही एंसेस्टर से बने हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो भैया मॉर्फोलॉजी से तो हम लोग सिमिलर है ही, एनाटॉमी से भी हम लोग कैसे हैं? सिमिलर है। तो ये बताता है कि इवोल्यूशन में हम लोग कभी ना कभी एक थे और डेवलप होते होते अलग बन गए। तीसरे इविडेंस आपको दिए हुए है, तीसरा इविडेंस आपको दिया हुआ है वेस्टिजियल ऑर्गन। किसका है आपको? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? द ऑर्गन्स विच आर अंडर डेवलप्ड, द ऑर्गन्स विच आर अंडर डेवलप्ड, और द ऑर्गन्स विच आर एक्सटिंक्ट इन वन स्पीसीज एंड फंक्शनल इन अनदर स्पीसीज।
यानी ऐसे ऑर्गन जो मेरी बॉडी में अंडर डेवलप है, यानी डेवलप नहीं है, आज की डेट में कुछ काम नहीं करते, जैसा हमारा अपेंडिक्स है, हमारे ईयर पिन्ना है, आज ये नहीं हिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों में हिलते हैं, ये हिला सकते कुछ लोग, मेरे हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। अपेंडिक्स, हम लोग सुनते हैं किसी का पेट में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो डॉक्टर बोलते हैं इसको अपेंडिक्स है, ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये अपेंडिक्स आया कहाँ से? सब लोगों में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में आज भी वो है। इसका मतलब ये ऑर्गन अंडर डेवलप है, गलती से इमर्ज हो सकते हैं। हमारा हिप बोन, पूछ तो चली गई है ना, पूछ तो चली गई, माकड़ हाड़ बनतो अपन तेला, ओके, टेल कॉकिक्स, ओके, और फिर तो ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन, जो आज हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है लेकिन कभी थे। तो अगर हम लोग अपेंडिक्स की बात करेंगे तो वो रूमिनेंट में आज भी प्रेजेंट है और हम में वो कभी कभार दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? रूमिनेंट और हम कभी एक थे, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कभी मिलती जुलती थी और आज वो अलग हो गई। हमारे प्यारे भाई मंकीज, जिनके पास पूंछ थी, आज हमारे पास वो नहीं है, लेकिन वो बोन आज भी हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे ईयर पिन्ना आज भी बहुत सारे एनिमल्स जंगल में घूमते वक्त मतलब सेंस करने के लिए ईयर पिन्ना यूज करते, लेकिन हम लोग नहीं करते। सो दीज आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। चौथा एविडेंस आपको यहां पे देखना है, कनेक्टिंग लिंक्स। क्या देखना है? कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स में अगर अच्छे से आप देखोगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म हम लोगों को ऐसे मिलते हैं जिनके पास दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, दो अलग अलग पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। जैसे आपके पास डक बिल प्लेटिपस है, डक बिल प्लेटिपस ये एक ऑर्गेनिज्म है, प्लेटिपस है ना, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है। क्या है इसके पास? मेमोरी ग्लैंड्स है। इसका मतलब ये किससे मिलता जुलता है? मेमोरी ग्लैंड है, यानी मैमल्स के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इट ले एग्स, लेकिन ये अंडे डालेगा, रिप्टाइल का कैरेक्टर है। तो इसका मतलब डग बिल प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रिप्टाइल्स। ये कैरेक्टर किसका है? मैमल्स का है। और ये कैरेक्टर किसका है? रिप्टाइल्स का है। किसका है? रेप्टाइल्स का। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। और है आपको लंग फिश। कौन है लंग फिश? अब है तो फिश लेकिन उसके पास लंग्स है, यानी रेस्पिरेशन के लिए उसके पास एडवांस सिस्टम है जो फिश से नहीं एम्फीबियन से मिलती है। तो ये भी क्या हुआ? कनेक्टिंग लिंक। और एक ऑर्गेनिज्म है आपको पेरीपेटस। कौन है? पेरीपेटस। अब पेरीपेटस की बॉडी अगर आप देखते हो तो वो बॉडी ऐसी है, सेगमेंटेड, क्या बोलते हैं उसको मेटामेरिकली, सेगमेंटेड एनेलिड का कैरेक्टर है। उसकी बॉडी पे एक थीन क्यूटिकल है, उसकी बॉडी पे एक थीन क्यूटिकल है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एनेलिड का। लेकिन अंदर से अगर देखोगे तो ट्रकियल रेस्पिरेशन है। ट्रकिया रिप्रेजेंट इन रेप्टाइल्स है ना, ऑर्थोपॉड्स में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें था? ऑर्थोपॉड में। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड ऑर्थोपॉड। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड ऑर्थोपॉड। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिज्म एक ही टाइम पे दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक दिखाते, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। अब चौथा जो है वो आपको दिया है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं?
स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमिनेंट्स और इंप्रेशंस, रिमिनेंट्स और इंप्रेशंस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, रिमिनेंट्स और इंप्रेशंस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी सालों पहले जो मर गए थे उनके रिमिनेंट पार्ट या फिर उनके इंप्रेशंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी हम लोग किस में करते हैं? पैलेंटोलॉजी में। अब फॉसिल्स की पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने एक नया मेथड ढूंढा है, दैट इज कार्बन डेटिंग। क्या है कार्बन डेटिंग? हम लोगों ने, मतलब आपने और मैंने नहीं ढूंढा, लिबी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक ढूंढा है कि कैसे हम लोग स्टडी करें कि ये फॉसिल्स कितने हजार साल पहले का होगा। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो दोस्तों, कार्बन के दो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, C14 और C12। C14 जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये कैसे होता है? रेडियो एक्टिव होता है। और C12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रेडियो एक्टिव होता है। अब प्लांट में अगर आप देखने जाओगे तो कौन होता है? C14 होता है। और एनिमल्स में कौन होता है? C12 होता है ना। जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म था 20,000 साल पहले, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने खाना खाया। अब खाना तो खाया ही होगा ना, एक दिन, दो दिन, चार दिन से खाना नहीं खाया होगा, लेकिन उस समय उसने खाना तो खाया था दो चार दिन के पहले आगे पीछे। अब समझो उसकी डेथ हो गई, उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उसने खाना खाया था यानी प्लांट मटेरियल उसके पेट में गया था, इसका मतलब उसके बॉडी में क्या था? C14 था। अब धीरे 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 जैसे वो मर गया, वो जमीन के अंदर गड़ गया, धीरे 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 क्या होगा? वो C14 जो है वो रेडियो एक्टिविटी देते रहेगा, और फिर कम होगा उसका रेडियो एक्टिव पावर। तो हम लोग ये गिन सकते हैं कि कितनी रेडियो एक्टिविटी चली गई, उस पे से हम लोग ये बता सकते हैं कि इसको कितने साल हुए होंगे। समझ में आ रहा है आपको? C14 क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव है, बाहर रेडिएशन भेज रहा है, तो उसके पास कम होंगे ना, तो कितने कम हुए है ना, हम लोगों को मालूम है। रेडियो एक्टिविटी का इमिशन का रेट हम लोगों को मालूम है, तो हम लोगों को पता चलता है कि यार कितना रेडियो एक्टिविटी खत्म हुआ, इतना, तो कितने साल लगे होंगे XYZ। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। तो अर्थ के अलग 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 लेयर्स में कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मिलते गए, ये हम लोगों ने कार्बन डेटिंग से ढूंढा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलियंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एंड व्हाट आर फॉसिल्स? रिमिनेंट और इंप्रेशंस ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो पुराने जमाने में कभी पूरा गया है ना, कुछ हो गया, तो ऑर्गेनिज्म एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेड होते थे। और आज हम लोग जब उत्खनन करते हैं, ये चीज़ें ढूंढने के लिए कहीं पे सो जाते हैं, तो हम लोगों को इनके फॉसिल्स मिलते हैं, डेड पार्ट मिलते हैं, और उनका पढ़ाई हम लोग करते हैं। अब सिक्स्थ क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। ये तो आज की डेट में भी बता देगा आपको एम्ब्रियोलॉजी। अगर आप अलग 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 ऑर्गेनिजम्स के, जैसे टॉर्टाइज है, सेलेमेंडर है, ह्यूमन है, गोट है, रैबिट है, काऊ है, कैटल्स है, इनके अगर एम्ब्रियोज आप अगर पहले ट्राइमेस्टर में देखोगे, यानी शुरू के 3 महीने में, तो आपको इनमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो आपको एक जैसे दिखेंगे। सेकेंड डेवलपमेंटल फेज में थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होती हैं। रैबिट, पिग और ह्यूमन के एम्ब्रियो को तो आप पहचान ही नहीं पाओगे किसका बच्चा है, पहचान ही नहीं पाओगे। लास्ट फेज में डिफरेंसेस आते हैं। कहाँ पे आते हैं? लास्ट फेज में। तो इसका मतलब क्या? सबके डेवलपमेंट शुरुआत से सेम ही होती है, दिखते सेम ही है, और ऐसा नहीं 2 स्टेजेस तक सेम दिखते हैं। इसका मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी भी क्या बताता है? कि हम सारे ऑर्गेनिज्म सेम है ना, कभी ना कभी हमारा एंसेस्टर एक था,
तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। सबसे पहला कौन सा देखा? मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, उसके बाद देखे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और फाइनली देखा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने एविडेंसेस देखे हैं। एक बार बस आपकी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो एविडेंसेस ये देखो, ये देखो, तीनों के आंखें, तीनों के कान, तीनों के नॉस्ट्रिल्स आपको सेम दिखेंगे, पोजीशन सेम है, लुक ऑलमोस्ट सेम है। इधर प्लांट में अगर देखोगे तो लीव्स, फ्रूट, ये भी स्टाइल सेम है। तो ये मॉर्फोलॉजी क्या बताती? नो डाउट आज हम लोग अलग अलग स्पीसीज होंगे, लेकिन कभी ना कभी हम लोग किसी एक से ही डेवलप हुए हैं, तभी तो हम लोगों में सिमिलरिटीज है। उसके बाद ये देखो एनाटॉमी में, एनाटॉमी में देखो ये क्या है? ह्यूमन हैंड। ये क्या है? ह्यूमन हैंड। ये देखो फोर लेग ऑफ ऑक्स, बैल का आगे का पैर ले लिया। ये है पटेशियम ऑफ बैट, ये है फ्लिपर ऑफ वेल। अगर अच्छे से देखते हैं, अगर अच्छे से देखते हो आप लोग, ये देखो ये और ये दो और ये आगे का, ये देखो ये और ये आगे का, ये देखो ये दो और ये आगे के, है ना, ये एक, ये दो और ये आगे के। नो डाउट उनकी लेंथ शेप वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है उसमें, लेकिन सिमिलैरिटी भी तो है। लेकिन बाहर से देखोगे तो आप सोच भी तो सकते हैं क्या कि ये सब अंदर से सेम होंगे? ये काम करता है, ये चलता है, ये उड़ता है और ये स्विमिंग करता है। फंक्शनली दे आर डिफरेंट, दिखने में वो अलग है लेकिन एनाटॉमी उनकी सेम है, एनाटॉमी उनकी सेम है। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो आगे चलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये देखो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये है हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब देखो अपेंडिक्स, यहां पे क्या होता है? बहुत सारे, सॉरी ये वाला, यहां पे क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हम लोगों को कभी डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन आज हमको उनकी जरूरत है क्या? नहीं है। ये हमारा टेल बोन, कॉकिक्स, जिससे टेल निकलती थी, आज हमारे पास टेल है क्या? नहीं है, लेकिन बोन तो है। ये है हमारे विजडम टीथ, ओके, जो आज हमारे काम के है क्या? नहीं है, ओके। और ये हमारे ईयर मसल्स, ये क्या है? हमारे ईयर मसल्स जो कान को ऐसे हिलाने में मदद करते थे जब जंगल में रहते थे, तो तब वो काम के थे, आज वो हमारे काम के है क्या? नहीं है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स में वो काम के है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट ये देखो फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये देखो कैसे रिमिनेंट है या फिर इंप्रेशंस होते हैं, और इनको हम लोग कौन सी मेथड से स्टडी करते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड से। कौन सी मेथड से स्टडी करते हैं? कार्बन डेटिंग। इन्होंने डिस्कवर किया था लिबी, है ना, ये विलियर्ड लिबी जो थे, इन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था ये टेक्निक, और उस टेक्निक की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है फॉसिल्स के बारे में। उसके बाद देखो, ये देखो डकबिल प्लैटिपस है, लंग फिश, पेरिपेटस, है ना, और ये देखो एम्ब्रियो। अगर आप यहां पे देखते हो ना दोस्तों, ये अगर आप देख रहे हो, ये सबके सब सेम दिख रहे हैं आपको, ये सबके सब कैसे दिख रहे? सेम दिख रहे, है ना,
ये सब के सब कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं। इधर ये तीनों को अगर ऐसे ही मिक्स करके दे दिया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा पिक का है, कौन सा काऊ का, कौन सा रैबिट का और कौन सा मैन का, पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट स्टेज में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं, बट स्टिल देयर इज सिमिलैरिटीज। ये देखो सिमिलैरिटीज हैं, ये देखो सिमिलैरिटीज हैं, देखो ये देखो, राइट। तो इसका मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी क्या दिखाते हैं, हम लोग सेम हैं। क्या है? हम लोग सेम हैं। ओके, तो एक बार अपना बुक खोल के बैठ जाओ, पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लाइन टू लाइन एक बार कर लेते हैं, है ना। सारी चीज़ें मैंने समझाई तो है आपको, चलो एक बार देख लो। Various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostril and ear pinnae and thickly distributed. Structure of mouth, position of eyes, structure of nostril and ear pinnae क्या है, and thickly distributed hairs on body are seen in animals. सब animal में आपको ये दिखते हैं। Whereas similarities in characters like देखो leaf shape ऑलमोस्ट सेम है, लीफ का वेनेशन सेम टाइप का होता है, पेटियोल सब में है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाते हैं दोस्तों? इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। क्या है? उनके पास कॉमन एंसेस्टर है। ओके, नेक्स्ट एनाटॉमिकल को पढ़ते हैं, एनाटॉमिकल को पढ़ते हैं। ओके, चलो एनाटॉमी में क्या देके रखा है देखो। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, ये देखो इधर के पिक्चर अगर ऑब्जर्व करते हो तो बिटवीन ह्यूमन हैंड फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पटेजियम ऑफ बैट, सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सबका यूज अलग अलग है, ये काम करने के लिए है, ये चलने के लिए, ये उड़ने के लिए, ये स्विमिंग करने के लिए है ना। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है। तो दिस सिमिलैरिटीज इंडिकेट्स दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी हम किसी एक ही एंसेस्टर से आए हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन अच्छे से देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या? डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप, जो डेवलप नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अचानक से तो नहीं होगा, आज मेरे को पूछ है कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इसको सालों लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन, हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में भी यूजलेस। यानी उस टाइम पे वो काम के थे, आज वो काम के नहीं है, है ना। सच स्ट्रक्चर बिगिन टू डीजनरेट अंडर सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर। हमारे स्ट्रक्चर डिसअपीयर होने को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, है ना। सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीयरेंस इन डिफरेंट एनिमल। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर। मैंने बोला ना, अपेंडिक्स हमारे में आज कुछ काम के नहीं है लेकिन रूमिनेंट्स में है। ईयर पिन्ना हमारे आज कुछ काम की नहीं है लेकिन दूसरे एनिमल्स में है। देखो आगे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट, मंकीज में है वो। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। समझ में आ रहा है? ओके, ये देखो ये वेस्टिजियल ऑर्गन। अब एक बार पैलेंटोलॉजी को अच्छे से पढ़ लो बच्चों,
एक बार पैलेंटोलॉजी को अच्छे से देख लेते हम लोग। ओके देखो क्या बोल रहे हैं, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सबसे पहले कौन आया होगा, हाउ कैन वी टेल, नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बरीड यानी दब जाते हैं फ्लड में, अर्थक्वेक में, वोल्केनोज में, एंड रिमनेंट एन इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, और उनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। समझ में आ गया, रिमनेंट एंड इंप्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड एंड कॉल्ड एज फॉसिल्स, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम लोग बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखूं, है ना, तो आपको क्या लिखना है, रिमिनेंट्स और इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिजम्स, रिमिनेंट्स और इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिज्म, ये सच को निकाल के आपको, सच को निकाल के आपको क्या लिखना है यहां पे, बरीड ऑर्गेनिज्म। नहीं तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन बुक में तो ऐसा दिया है, हम लोग कैसे लिखे, तो वहां पे बरीड वर्ड डाल दो, खत्म बात। ओके चलो आगे देखते, ये कैसे पता चला, कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप्स आफ्टर डेथ, कार्बन जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो आफ्टर डेथ क्या होता है, बंद हो जाता है, और वो बंद होने की वजह से C14 धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है, तो कितना डिके हुआ, है ना, कंटिन्यूअसली इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस, कम होते जाता है, क्योंकि C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव, C12 कैसे है, नॉन रेडियो एक्टिव, और एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, सिंस द डेथ ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल कैन कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14, समझ में आ गया, तो ये है हमारा पैलियोंटोलॉजी। ये इधर देखो, अब ये इधर देखो क्या क्या दिया है ना, चलो सीधा सीधा आते हैं, पेरिपेटस को देख लो, पेरिपेटस को देख लो क्या क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है, थीन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन है ना, ये सारे कैरेक्टर किसके है, एनेलिडा के, किसके है, एनेलिडा के, है ना, और उसके बाद शोज ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किसके कैरेक्टर है, ऑर्थोपोडा के, किसके है, ऑर्थोपोडा के, तो पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक किस में हो गया, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोड्स में, उसके बाद सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपॉड। ओके नेक्स्ट देखो, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग बिटवीन दिस, डकबिल प्लेटिपस लेज एक को ले करेगा, ये किसका कैरेक्टर है, रेप्टाइल का, किसका कैरेक्टर है, रेप्टाइल्स का, बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में मैमल्स होते हैं, है ना, उसके बाद लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स irrespective of being fish, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, फिश में और amphibians में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है ना, तो इस पे से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक, समझ में आ गया। चलो तो अब है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, क्या है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उसका पिक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, और भी पूरा सिलेबस देखने के लिए ये लेक्चर्स कंटिन्यू देखते रहो, आपके लाइक्स और कमेंट्स आते रहेंगे, है ना, तो हम लोगों का जोश बढ़ता रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।